हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सबको जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं आया फिर नेक्स्ट ब्लॉग बनाने के लिए। यहाँ पे आपको ब्लॉग के बारे में दिखाता हूँ। यहाँ पे एड्रेस है सिलवासा नियर पिपरिया ब्रिज के पास ही है। बस आप सिलवासा रहते हो तो आप विजिट किया होगा, और जो नहीं किया हो आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको जो व्यू दिखाऊँगा वही व्यू आपको दिखेगा। यहाँ पर आकर कोई भी मैं व्यू दिखाता हूँ वो एक्चुअली रियल रहता है, कोई इसमें एडिट नहीं करता हूँ। जैसा आप देखोगे आप वही पाओगे। इधर आकर गेट पे तो आपको बोला ही 25 रुपीस लेगा फी का, बाकी बाद एंट्री करोगे तो आपको टू वे रोड मिलेगा, एक लेफ्ट साइड है और राइट साइड आने का। बिरवा भेन गार्डन है इस गार्डन का नाम। अब 25 रुपया टिकट का दाम है इसका। आप अंदर आओगे तो फिर स्टार्टिंग से आपको मैं दिखाता हूँ इधर, फिर आपको एंड तक ले जाता हूँ यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है किड्स के लिए। किड्स के लिए तो हम आपको पहले दिखाएंगे कि यहाँ पे ये किड्स के लिए अवेलेबल है। ये देख रहे हो, ये सब किड्स के लिए अवेलेबल है जो अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, ये सब जो इसका अंदर से एक बार हम ही प्रयास करें क्या, लेकिन हम गिर जाएंगे तो लेकिन ये बहुत ही छोटा है, हम नहीं जा सकते क्या। हम ये सब बच्चे के लिए, ये किड्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे बड़े आदमी आते हैं। आपको हेलीकॉप्टर का शॉट दिखाता हूँ। ये आम का ट्रीस बहुत यहाँ है, बहुत ही मस्त है। आप आओगे तो यहाँ पे देख रहे हो चारों तरफ हरा भरा। इधर बैठने के लिए एरिया भी दिया हुआ है, यहाँ बैठ सकते हो आप। यहाँ पे आगे भी एरिया है बैठने के लिए। और फिर आपको दिखाया है बच्चा के लिए, किड्स के लिए एक प्लेन बनाया है जो ट्रेवल तो नहीं करता है ना, ये फ्लाई ओवर करता है, लेकिन ये जस्ट एक ही जगह। अंदर जाके दिखाते हैं आपको क्या, एक बार देखते हैं। ओके, ये तो बहुत ही, ये हम लोग आ गए हैं ये जेड के अंदर। उसके बाद में ये देखो, ये तो रॉकेट लॉन्चर भी लगा दिया है यहाँ पे। एंट्री करने का भी जगह है रॉकेट का अंदर, ये है इसका एंट्री करने का जगह। हमें भी डर लग रहा था इसका एंट्री करने का पॉइंट पे। इसका एरिया आप देखोगे, थोड़ा सा मैं कैमरा अपना मिलाता हूँ, ज़्यादा सब हो जाएगा बस। हाँ ये है, और यहाँ से बाहर निकलो इसका ऐसे ही मेरा मेरा पास में आता है। ये तो ये क्या है पता नहीं, नीचे से ऊपर से ऊपर से नीचे से ये। अरे भैया अभी हो क्या जी? अब हम लोग चलते हैं दूसरा, किड्स का दिखा दिया आपको ये। एक तो ये राइनोसर भी इधर ही अवेलेबल है, बहुत ही हेवी है। एक बार निकल जाएगा तो दूसरा बार आगे में मिलेगा नहीं। तो जब भी आई है पिपरिया तो ये राइनोसर से बच करेगी। राइनो ही है ना, हमें तो राइनो ही लग रहा था। देखो आपको क्या लगता है, यहाँ पर टॉयलेट भी अवेलेबल है हमें लगता है लेडीज के लिए है, और इधर जेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो फिर आपको टॉयलेट का कोई इशू नहीं है गार्डन में रहा था, और टॉयलेट का तो इशू भी दूसरा गार्डन में भी आपको दिखाया, उधर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है बस। और आपको आप देख रहे हो किड्स ये इधर भी खेल रहे हैं सब, वहाँ पे अवेलेबल था किड्स प्लेइंग, लेकिन ये इधर भी थोड़ा बहुत अवेलेबल है। फिर आओगे तो आपका किड्स ज़्यादा आपको रुलाएगा नहीं, आप भी इंजॉय कर सकते हो और अपना बच्चा भी फेंक देता आदमी, फेंकने का जगह नहीं है। तो फिर आप गार्डन को डस्टबिन को सर्च करो और वहाँ पर रख दो। यहाँ तो रेबिट बनाया गया है, रेबिट बोलते आओ और हमें कचरा फेंको। नीचे रखा है, बोतल रखा हुआ है, वो देख
ये एंट्री एंट्री गेट इधर से ही होगा आपका। अब वो देख रहे हो गेट, वो वाला गेट है ना जो रिंग रिंग है, वो जो एक लेडीज आ रहा है बस, वो लेडीज़ का उधर ही एंट्री होता है। 25 रुपया टिकट का दाम है और वो आपको टिकट भी देगा। और ये बच्चा लोग है तो ये बोला भैया भैया चलो हम भी आएंगे वीडियो में, तो आ जाओ फिर। यहाँ बैठने का आप पिकनिक कर सकते हो, अपना पिकनिक का भी एरिया है। जैसे ये आपको ये झील है ये, लेकिन ये झील में आपको मच्छी भी दिखाई दे रहा होगा, दिखता हूँ। ओके मच्छी दिखाई दे रहा है, छोटा सा झील है वो देखिए आप, दिखाता हूँ। उसमें मच्छी अवेलेबल है लेकिन अभी पानी का वजह से मच्छी भी सब फिनिशिंग हो रहा है। ये भाई बोल रहा है टोपी दिखा दी, कौन सा टोपी बोल रहा है दिखाने के लिए, सुन रहा ये हाँ ये देखो डिजाइनिंग है, ये अपना इंडिया का आर्किटेक्ट लोग है आए, ये तो गार्डन आर्किटेक्चर है, मैंने भी कुछ गलत ही बोल दिया। चलो बड़ा सही होते रहते, यहाँ पे भी आप हाँ बस आप फैमिली लोगों के साथ आ सकते हो, टूरिस्ट हो तो फिर आप एरिया में फर्स्ट टाइम हो तो मस्ट बी यू विजिट दिस एरिया, क्योंकि ये एरिया इतना नीट एंड क्लीन है और साथ में डस्टबिन का साथ है। और ये बच्चा लोग भी अवेलेबल रहेगा ये पिपरिया गार्डन में, आपको कोई एरिया के बारे में पता ना हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ फैमिली लोग आया हुआ है उधर आप देखोगे तो उस साइड, और अराउंड में पीपल लोग है यहाँ पे, और बैठने के लिए भी बहुत, आप अपना कोई ब्लॉग रील्स और कोई ऑफिशियल वर्क हो तो आप यहाँ पे आकर आराम से कर सकते हो, कोई डिस्टर्ब करने के लिए मोमेंट नहीं है। ये लोग देखो ये लोग सोने के लिए यहीं पे रेडी है। बस सकते हो पानी से, ये एरिया ज़्यादा अवेलेबल हमें लगता है आजकल का जनरेशन का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है नया लवर से जो अभी नया शादी हुआ है, तो आप आकर यहाँ अपना रोमांस स्टार्ट कर सकते हो। और पीछे अपना गाना से थोड़ा दूर भागते हुए हम अंदर रुक रहे हैं। अंदर क्या है, यहाँ पे एक गेट भी बना हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल भी है, जो आप अपना फैमिली का साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का साथ यहाँ पर बैठ कर बात कर सकते हो, कुछ पिकनिक मना सकते हो, लंच कर सकते हो। एरिया अच्छा है, ये देखो ये भाई लोग आपको दिखा दे रहे हैं, ये एरिया ऐसा है। मिडिल में लाइट लगा हुआ है चारों तरफ से, इसका थोड़ा सा स्ट्रेट टाइप में इसका गार्डन है। ये भाई लोग झरना किधर, इधर तो यहाँ तो झरना ही बंद है क्योंकि तो झरना ये मैन मेड है पहले था, मगरमच्छ भी बच्चे लोग बोल रहे कि पहले मगरमच्छ भी रहता था, आज मगरमच्छ कहाँ चला गया, हटा दिए मगरमच्छ, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। झरना यही है इसका, अंदर क्या करने जाए जब झरना ही बंद है। ये झरना एरिया, ये प्लांटेशन भी किया हुआ है इधर पे, आप देख सकते हो कुछ एरिया इसका। चलो ये भाई लोग हमें आगे बोलते हैं चलो भैया आगे का वीडियो कैप्चर करते हैं, और ये लोग का साथ चलते हैं। आज संडे है ना तो क्या है, सावन का महीना है, तो ये लोग बाबा का द्वार पे जाने के लिए रेडी है इधर का आदमी। ये इसका एरिया आपको ऐसा करेक्ट होगा, एरिया है वहाँ से लगा हुआ है जो आ रहा पत्थर पानी धीरे 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 करके इधर से ये इधर जाकर पानी कनेक्ट है। यहाँ पर सब कुछ लिखा है अवॉइड क्राउड स्टॉप कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस के टाइम में जब आया था ना, जब ये नोटिस बोर्ड लगाया था, बस इसका झील तो झील में पानी बहुत ही कम है, और इसका झील में तो मछली बहुत ही कम है।
मैं लगता लास्ट तक यही है। उधर उधर से भी आप घूम, इधर से भी जा सकते हैं क्या? चलो फिर आगे से चलते, कुछ कपल्स या बैठे हैं फिर इससे यहाँ पे आप फोटो शूट भी कर सकते हो। जाने वाले वाले वो लोग बेड से बैठा है, वो लोग उधर बात कर रहे हैं और हम यहाँ पहाड़ पर बात करें। जो नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, बस वही व्यू आपको मिलने वाला है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और जो जो व्यू दिखाना चाहिए था हमें वो आपको मैं अच्छा से दिखा दिया। ये छोटा मोटा गार्डन है, लेकिन फिर भी आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो और फ्रेशनेस चाहिए आपको, हम रूम में बोर्ड हो गए, वो पिपलिया लोकल आदमी सिलवास का पापा आ सकते, विजिट कर सकते हो। क्यों मैडम लोग बैठे, कुछ भैया बैठे, वो बुला रहे कि उधर बुला रहे, पता नहीं जाते कुछ नहीं क्यों बुला रहा है। इधर तो गर्मी तो इतना है नहीं, लेकिन आप देख सकते गर्मी नहीं है लेकिन बहुत ही हीट है। और हम तो ब्लैक ही है और इसमें तो ब्लैक मम्बा लग रहे हैं। चलो आप हमें सिलवास का आदमी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपका भाई है, ऐसे ही ब्लॉग में बनाते रहो ताकि आप हमें सपोर्ट करोगे तभी आगे बढ़ पाऊँगा। ये तो ये जो वाटरफॉल है अभी ये बंद है, तो हमारा दोस्त लोग है देख रहे हो आप वहाँ पे दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वहाँ बैठा हुआ है, अब वो दिखाते हैं बस यहीं पे, वो लोग भी अपना डिस्कशन कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, डिस्कशन होना चाहिए लेकिन ये डिस्कशन करो लेकिन रेप मर्डर से दूर रहो और गलत जैसे सिगरेट दारू से दूर रहो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड मत पढ़ाओ, गर्लफ्रेंड पढ़ाओ लेकिन गलत राह पे मत जाओ। ये आपने भी यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कपल लोग आए हुए हैं, हाँ हेलो जी थैंक यू। हाँ ड्यूटी पे, हाँ मैं पोस्ट करता हूँ। कितने मतलब फॉलोवर्स हैं आपके? अभी कुछ ज़्यादा नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया, दो मंथ हुआ है, अभी 100 ही है और इंस्टाग्राम में आगे भी बढ़ता जाए। ओके जी, अच्छी बात है। वही मतलब उन्होंने बोला कि भैया वीडियो बना रहे, तो मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल भी, आपका प्लस चल रहा है, गेम अभी अच्छा चल रहा है। आ गया माइनस होगा ठीक है। आप लोग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, बात करने के लिए, ऐसे ही आदमी मिलता रहे हमें और हमें थोड़ा सा सपोर्ट और इनक्रेज मिले। नहीं नहीं अपना आदमी हो तो आप बात कर सकते हो, क्या इसमें शर्माने का किस बात है, लेकिन अपना इंडियन, आपका इंडियन में हम लोग का देश में यही है गलती कि हम लोग बहुत शर्माते हैं एक दूसरे में बात करने के। अरे फ्रीली बात करो, अपना इंडिया का आदमी है, हम लोग अपना धर्म का आदमी, हम लोग अब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा तो और किसको करेगा? लेकिन सब आदमी सिर्फ उल्टा या नेगेटिव माइंडसेट रहता है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग सिटी में है, कोई गांव एरिया में नहीं, जस्ट फ्रीली बात करो। थैंक यू। चलो हमारा दो बहन सिस्टर है, या आप दीदी बोलो जो भी बोलो, या अपना गाँव का विलेज जो भी बोल सकते हो आप, वो लोग अच्छे से बात किया, वो लोग हमें सपोर्ट किया, वो बोला कि आप आगे भी बढ़ो, ऐसे ही हम यही चाहता हूँ कि आप हाँ। चलिए अभी ख़त्म होने का टाइम आ चुका है, यही है इसका लास्ट सीन है और कुछ स्टार्टिंग से अभी तो कुछ ऐसे ही इसका सीन रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ आगे जाओगे आगे का सीन तो आपको दिखाई।
आओ यहाँ पे और फैमिली के साथ एंजॉय करो, कपल्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, स्कूल का दोस्त हो, कॉलेज का दोस्त हो, सब यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी आ सकता है, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन दारू शराब अंदर रिस्ट्रिक्शन तो कहीं भी रहता है।